एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका बीएनसी न्यूज पर। मैं हूँ सिद्धि बरोले, स्पिरिचुअल हीलर एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच। सो आज है 15 जुलाई 2023। तो आज हम जानेंगे हमारे ग्रह का भविष्य। सो उसके पहले हम बनाएंगे हमारे टैरो कार्ड से बहुत प्यारा कनेक्शन। कनेक्शन हमारा बन चुका है, अभी हम कार्ड्स को कर रहे हैं स्प्रेड, देन बात करेंगे वन बाय वन हमारे ग्रह की। सो पहला जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928 ग्रह है उनका सूर्य ग्रह। तो जानेंगे कि प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग मैं कहना चाहती हूँ कि आज की सिचुएशन ना थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में ना ऐसे लटक सकते हो, कन्फ्यूज हो सकते हो कि मैं आगे क्या करूँ, कि बैक स्टेप लूँ। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना स्थिर रहेंगे, जितना प्रेजेंट में रहेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट। अभी ना पास्ट के बारे में सोचिए, ना ही फ्यूचर के बारे में। आज है 15 जुलाई, तो आज सिर्फ आज 15 तारीख के बारे में ही सोचिए कि आज के दिन को कैसे पॉजिटिवली इंजॉय करके जीना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/2029 उनका जो ग्रह है वो है मून। तो जानेंगे कि प्लैनेट मून के अकॉर्डिंग आज आपका ग्रह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले कार्ड आया है बहुत ही प्यारा ट्रस्ट। ट्रस्ट कार्ड कहता है कि आज हो सकता है कि आपको ना खुद पे भी शायद डाउट हो, या दूसरों पे, अगर दूसरे आपके लिए अच्छा चाह रहे तो उन पे भी आप डाउट कर सकते हैं। लेकिन कार्ड बहुत प्यारा है टू ट्रस्ट। जितना भरोसा करेंगे लोगों पर उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आज का दिन ट्रस्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट जिनका टॉप बर्थ है 3/12/2130 ग्रह है उनका बृहस्पति। जानेंगे कि बृहस्पति प्लैनेट के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सो द कार्ड इज अलोननेस। नाउ व्हाट इज अलोननेस? अलोननेस कहता है कि जितना आप अकेले चलेंगे आपको ना दूसरों की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं अपनी हेल्प के लिए लोगों की सलाह लूँ या लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ूँ, बट जितना आप अलोननेस पर जाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4/13/2231 ग्रह है उनका राहु। तो जानेंगे कि राहु प्लैनेट वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। सो द कार्ड इज पार्टिसिपेशन। आज राहु प्लैनेट के लिए बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनने वाली है जो आपको कहीं ना कहीं आके बहुत सफलता दिलाएगी। सो ये अपॉर्चुनिटीज पर जाइए और अपने लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5/14/23 ग्रह है उनका मर्क्यूरी। तो जानेंगे कि मर्क्यूरी प्लैनेट वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज ना पास्ट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकते हैं। पास्ट रिलेटेड थिंकिंग्स आपके माइंड में आएगी, उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए पॉजिटिवली, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पास्ट के बारे में कोई भी गिल्ट्स या रिग्रेट्स मत रखिए, बस आगे बढ़िए। विश यू गुड लक। नेक्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/15/24 उनका जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। जानेंगे कि शुक्र के लिए आज का दिन कैसा है। शुक्र ग्रह वाले को मैं बोलना चाहती हूँ कि इंस्टेंटली डिसीजंस बनाइए। जितना इंस्टेंट डिसीजन पर आप आगे बढ़ेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। विदाउट एनी डिलेज आप बस डिसीजंस पर जाइए और आगे सिचुएशंस को कनेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7/16/25 ग्रह है उनका केतु। जानेंगे कि केतु प्लैनेट वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। केतु ग्रह को मैं बोलना चाहती हूँ स्टार्ट शेयरिंग। अपनी मन की बातें लोगों से बोलना शुरू कर दो। जितना मन में रखोगे ना उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो किसी एक या दो व्यक्ति को ऐसे ढूंढिए जिस पर आपका ट्रस्ट सबसे ज़्यादा है, तो उनसे अपनी मन की बातें बोलोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। सो नेक्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8/17/26 उनका जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। जानेंगे कि प्लैनेट शनि के अकॉर्डिंग आज का दिन कैसा है। आज का दिन ना सिचुएशंस आपके फेवर में होने वाली है। आज का सिचुएशन आपके लिए इतना बेस्ट होने वाला है ना कि कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि आज ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत रहेगी। और आज आपका गुड लक इतना बढ़ेगा ना कि आप बस सोचोगे और आपका काम पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/18/27 ग्रह है उनका मंगल ग्रह। तो जानेंगे कि मंगल ग्रह वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मंगल ग्रह वालों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज ना आपको आपके काम में सक्सेस मिलेगी। जो प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स को आप शेयर नहीं कर पा रहे थे, बट वो प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है एंड आज आपको सफलता बहुत सारी मिलने वाली है। सो ये सफलता के कार्ड पर फोकस करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारे नवग्रह की बहुत प्यारी गाइडेंस। कल मिलेंगे हम ठीक मॉर्निंग 6, तब तक के लिए देखते रहिए बीएनसी न्यूज़। नमस्कार।